2024 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी सरगर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा ने कठुआ उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम और जम्मू लोकसभा सीट से जो है जुगल किशोर शर्मा के नाम पर मोहर लगाई थी। अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जाने की DPAP भी जो पीछे नहीं है। GM सरूरी का नाम जो है सोर्सेज के हवाले से सामने आ रहा है कठुआ उधमपुर सीट से कि कठुआ उधमपुर सीट से GM सरूरी जो है वो भी मैदान में उतर सकते हैं। GM सरूरी जो है वो किश्तवाड़ के एक लोकल नेता हैं, इंद्रवल से जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी वो रह चुके हैं। यानी कि एक जाना पहचाना नाम है राजनीति में और किश्तवाड़ के ये लोकल नेता हैं जिन्हें जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जो है बस सीधे मैदान में उतारने जा रहे हैं और इनकी सीधी टक्कर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हो सकता है। यानी कि कठुआ उधमपुर सीट से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम भी जो है वो भाजपा ने साझा किया है और अब जो है वो गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो सीधा जो है GM सरूरी को मैदान में उतारने की सोच ली है। यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले पहले गुलाम नबी आज़ाद को जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हराया था और अब जो है गुलाम नबी आज़ाद ने अपने साथी करीबी साथी यानी कि GM सरूरी को जो है अब कठुआ उधमपुर सीट में उतारने की सोच ली। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर है और अभी फिलहाल हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। यानी कि ये बड़ी खबर है कठुआ उधमपुर सीट से GM सरूरी DPAP के एक दिग्गज नेता जो है वो कठुआ उधमपुर सीट से उतरने जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा नाम है। और बताएं आपको कि ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर में वो भी रह चुके हैं और MLA हैं जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में और इंद्रवल से ये चुनाव लड़ते हैं, MLA वहाँ से रह चुके हैं और काफ़ी बड़ा इनका पॉलिटिकल करियर है और किश्तवाड़ के ये लोकल नेता है जाने की जिन्हें जो है अब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है कठुआ उधमपुर सीट से उतारने की सोच रखी है। जाने की सोर्सेज जो है बता रहे हैं कि GM सरूरी का नाम जो है वो भी आज शाम तक जो है वो साझा कर दिया जाएगा। DPAP का एक बड़ा चेहरा कठुआ उधमपुर सीट से जो है अब DPAP पार्टी जो है उतारने जा रही है।